सम्मानित किया गया है। और अभी सात देशों में
शार्क देशों के साथ आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब ये सम्मान जो देश का सम्मान केवल इंडिया में नहीं विदेशों में बढ़ा रहे हैं आप, शार्क देशों में जो गरीब देश है उनके साथ आपने एग्रीमेंट किया है, वहां पे भी जो भी अपंग है जो दिव्यांग है वो बच्चों का केवल बोले बॉम्बे एयरपोर्ट तक लाने का खर्चा वो लोग कर देते हैं, बाकी वहां से यहाँ लाना या ऑपरेशन करना या पढ़ाई लिखाई उनकी जो भी खर्चा करना है वो कन्नू भाई सारा भीड़ा में उठा रहे हैं अपने ऊपर। और ये संभव, ये सारा संभव हो पा रहा है आप जैसे लोगों के कारण ही, केदार जी, बिरजू भाई और काफी लोग प्रकाश जी जो आए हुए हैं, ये लोग भी संस्था से जुड़े हुए हैं। कन्नू भाई कभी भी यहाँ देश में नहीं लेते हैं डोनेशन, हमेशा जो वस्तु देते हैं उसी को ये लेना ज्यादा स्वीकार करते हैं। आप डायरेक्ट रूप से बच्चों को जो देना चाहे आप दे सकते हैं, उसके लिए हमेशा खुले हैं कहीं उनसे। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं तो ये कहूँगा इन्होंने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद से सत्यनारायण जी यहाँ बताने हुए हैं, उनके परिवार में प्रदीप भाई है, प्रदीप भाई के बेटे की बर्थडे मनाने का उसने एक नया तरीका बताया, सब बच्चों के साथ लिख के। तो दाल बाटी हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि सर दाल बाटी कभी बच्चों ने नहीं खाया, तो जी मैंने बोला कि यही बात हम करेंगे, दाल बात नहीं खिलाएंगे। तो मैं सभी भाई का और उनके परिवार का मैं दिल से हृदय पूर्वक आभार मानता हूँ, मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथ सरकार सर बिंदू जी, बिंदू जी ने करोड़ों रुपया का मकान लिया था, तो मैंने कहा कि भाई बिंदु जी अपने स्कूल से सब बच्चों को उनके घर से ले गए हैं, और मेरे को बोला, मैंने कहा बिंदु जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोले मुझे भगवान की कृपा से मुझे ये मकान इतना करोड़ों रुपये का आया हुआ है, तो मैं बच्चों का हाथों से मैं गृह प्रवेश कराऊंगा। और उसने पूरे परिवार को बुलाया, हजारों सौ बरसों आदमी आए सबके साथ, बच्चों ने खाना किया और उनका गृह प्रवेश किया एक नया इतिहास का। और प्रदीप महीना भी यहाँ स्टेट बैंक के एम डी आए थे, तो उनके हाथों से इतना बच्चों के लिए उसने 15 नया कंप्यूटर दिलाया और नया कंप्यूटर सेंटर बनाया। तब दो बच्चे की बात हुई उनकी बर्थडे की, उनकी मिसेज के साथ उसने लड़की किया कि करू भाई हम तो बच्चे के साथ दाल बाटी खाएंगे और हमें भी सब मेहमानों को हम बुलाएंगे। मैंने कहा मेहमान आएंगे तो मुझे लगता है कि मेरी जिला पावर हो जाएगी, तो आज मैं हृदय पूर्वक उनका आभार मानता हूँ प्रदीप भाई और सत्यनारायण जी का कि उसने मेरी बात मान लिया। और बिंदु भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ कि सत्यनारायण भगवान यहाँ बाजू में बैठे हैं सत्यनारायण जी, तो उनका उसमें साल हो रहा है उनका बिंदु भाई सम्मान करेंगे, और मेरी फॉर्स है।